हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे पाइप कमांड का यूज। तो पाइप कमांड का यूज, एक प्रोसेस का आउटपुट को दूसरे प्रोसेस में एज इनपुट सेंड करना हो तब पाइप कमांड का यूज किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जब आपको दो या दो से अधिक कमांड एक ही समय पर यूज करना हो और उन्हें कंजक्टिवली रन करना हो तब पाइप कमांड का यूज किया जाता है। तो इस कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस पर रहेगा, यानी पाइप सिंबल आप इसका यूज करेंगे, उसका जो सिंटेक्स है उसका रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना कमांड वन, फिर इसका जो आउटपुट है दूसरे कमांड में सेंड करना है। तो दूसरे कमांड से पहले आपको पाइप सिंबल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं कैट कमांड की सहायता से। ये उस फाइल का कंटेंट है। अब मैं इस कमांड का जो आउटपुट आया इसे मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, तो ग्रेप कमांड की सहायता से हम इसे फिल्टर करेंगे। अब मैं कैट कमांड और ग्रेप कमांड दोनों एक साथ यूज करना चाहता हूँ। तो एक साथ आप जब भी यूज करना चाहते हैं दो या दो से अधिक कमांड, तब आपको पाइप सिंबल यूज करना पड़ेगा। यानी इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो मुझे ग्रेप कमांड में सेंड करना है एज ए इनपुट। तो कैसे सेंड करते हो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना कैट myfile.txt। अब आपको यहाँ पर पाइप सिंबल यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा उसे जो नेक्स्ट कमांड आप लिखेंगे उसमें एज ए इनपुट ये सेंड करेगा। नेक्स्ट कमांड आप जो भी कमांड यूज करना चाहते हैं, तो अभी मुझे इस आउटपुट को फिल्टर करना है और मैं केवल उन लाइंस को प्रिंट करना चाहता हूं इस आउटपुट में से जिसमें हाई लिखा हो, दूसरी कोई भी लाइन में प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूं। तो इसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार रहेगा, ग्रेप फिर उसके बाद में हाई। तो इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा उसे एज ए इनपुट इस कमांड में सेंड करेगा ये पाइप, और उसके बाद उसका जो आउटपुट आएगा इस कमांड का वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगा। तो अब इस कमांड का आउटपुट इस प्रकार आएगा कि जिस लाइन में भी हाई लिखा होगा वो लाइन प्रिंट होगी, दूसरी कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो एंटर प्रेस करके इसका आउटपुट देखिए, तो देखिए केवल वही लाइन प्रिंट हो रही है जिसमें हाई लिखा है, दूसरी कोई भी लाइन यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही। तो इस प्रकार आप पाइप सिंबल का यूज करके दो या दो से अधिक कमांड आप एक ही समय पर यूज कर सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक कमांड को मर्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।